नमस्कार, मैं हूं पप्पू कुमार और आप देख रहे हैं पी न्यूज बिहार। अभी मैंने एक लड़की का मतलब हत्या करके बिक दिया गया था सेमरा स्टेशन के बगल में। अभी हम उस लड़की के घर में मौजूद है, वही घर है जहां पे जिस लड़की का शव बिका हुआ था सेमरा स्टेशन के बगल में। रात में एक कोई आता है मोटरसाइकिल से और बुला कर ले जाता है, और उसके बाद मालूम चलता है कि लड़की और मोटरसाइकिल यहाँ दोनों गायब हो जाता है द्वार से, और लड़की का जो माँ होती है खोजने लगती है लड़की को, और उसके बाद मालूम चलता है कि लड़की का शव सेमरा स्टेशन के बगल में मतलब हत्या करके बिक दिया गया है। यहाँ पर लड़की की माँ है, इनसे बात करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे आखिरकार इन्हें तो पता चला और कैसे पता चला। कैसे पता चला? खाना पीना बना ली, सबके खिया पिया देली, साढ़े ग्यारह में घर आंगन लिप लिप पतली, हम गई बर बिछाना करे, लगली गोरा दे तले हास मोटरसाइकिल के सुनाए। मतलब रात में साढ़े ग्यारह बजे गोर हाथ धोला बाहर निकल ली। एक बार कहेंगे दिखाने के लिए अपने कैमरा मैन से, ये वही घर है और यहाँ पे बाहर कल है, देखिए यहाँ पे थोड़ा बगल जाइएगा, ये वही कल है। घर में से बाहर निकलती है लड़की हाथ गोर धोने के लिए लगभग साढ़े ग्यारह बजे करीब में, और निकलने के बाद उसकी माँ घर में होती है और आवाज सुनाई मोटरसाइकिल का देता है, और सुनाई देने के बाद जब बाहर निकलती है तब लड़की और मोटरसाइकिल दोनों गायब हो जाता है। और का भला मोटरसाइकिल का आस मिला लाइन तले ना लड़की ना मोटरसाइकिल में। ओकरा दो दिन पहले भी अपने के दिन एक बजे रात के फोन आयल, हम फुटावनी फोन तो कहता नहीं हेलो हेलो तो आदमी ना बोले, साय साय बोले, आज करा ना बोले, काट कर रख देनी, फिर दोबारा बकैलक, फिर दोबारा उठावनी ना बोललक, रख देने बिहान बैला दूसरा तीसरा का मोबाइल से लगावनी जो उससे उठाई तो फोन ना उठौलक। आइए दो दिन के बाद रात घटना घटल बा। सुन सकते हैं ये लड़की की माँ है, इनका कहना है कि बृहस्पतिवार के दिन लगभग एक बजे करीब में रात में फोन आया था। जब भी फोन उठाती है तो लड़का नहीं बोलता है, धीरे धीरे आवाज आता है, फिर दूसरे नंबर से ही करती है तब भी नहीं बात होता है। और कल रात में लगभग साढ़े ग्यारह बजे करीब में लड़की द्वार पे आती है हाथ वो धोने के लिए, और ये बाहर यही कल है, लड़की के माँ अंदर होती है, उसके बाद मोटरसाइकिल का आवाज सुनाई देता है, और आवाज सुनाई देने के बाद जब बाहर निकलती है तो बाहर निकलने के बाद न लड़की रहती है न मोटरसाइकिल रहता है, और उसके बाद ये लोग का मालूम चलता है रात में ही, रात में खोजता है, उसके बाद मालूम चलता है कि लड़की का शव सेमरा स्टेशन के बगल में मिलता है। और ये सुगौली थाना अंतर्गत ये कौन सा गाँव है, जी नौटा गांव है, और इसी के बगल में सेमरा स्टेशन है, वहीं का ये घटना है। और बहुत सारे यहाँ पे गांव वाले लोग हैं, उसे भी हम जानने का प्रयास करेंगे किस तरह से घटना हुआ, क्या हुआ। राहुल घर कहाँ पर? हमारे घर यही जगह, यही गांव में राहुल घर बा। क्या तरह घटना भइल बा, कुछ मालूम बा? मालूम तो ये बा जो हमने कदर देखो तो लड़की कहीं जात ना रहल, घास भूसा के अपने हेजा से आई आई जाई घर में खाना बनाई की आई रही, और बाद में जब रातु हमने कदर टहली ले आई बहाई घर निपत रहे तो हम कहने का घर निपत रहे बरा बिहान लिपिए ना फुआ आज लिपे में बरा बिहान पूजा बा आज लिपे भाई लिपे लन तो लिप अब हमने घूमे लगनी भाई लिपते 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 लगे हई चल गई घरवा में आयु का कर बल्टी वल्टी था कहीं हाथ गोर धोए आगल धोला के बाद में मोटरसाइकिल चाल था हमने कना देखा ये सुन ली आवाज तो ऐसे तो कोई को मोटरसाइकिल जाता है रोड पर गाड़ी हजार बाजार जाता है। अब अपन दिन का ध्यान ना आयल, बस वो लड़की के कहीं दो आदमी को तीन आदमी को मुंह दाब के ले ले चल गए। ओकरा बाद में लग रही अब वो घर में से बतेरी पियेरी पी रिपी आई लेना खोजाते पूरा खोजाते कहीं ना पता लागल। सुबेरे भयल सेमरा वाला अपना घास खेत में सोत रही है तो कहलिए तब जाके हमनी के पता लागल तो हमनी गई नहीं। मतलब रात के लड़की गायब भइल और सुबेरे मालूम चल गई लड़की के लाश कहीं बिगल बा, बिगल बा जो मार के बिगल बाटे ओकरा कहि जा फेंक देल बा, उ कोला कोला त यहां के सब लोग हमनी गई नहीं है देखत है सत ओकरा के मार के बिगल बा। सरकार से का सरकार से हमी के त ये कहे के बा जे ई कहे न हो तटे अगर अपन ना कानूनी कार्रवाई होई ओकरा के पकड़ के फांसी का सजा दिया जाई जकरा के जिंदगी जिंदगी पकड़ या जाए तब ना घर कहां पर है हमर घर त अरज बाद ऊपर इहा रुवा कहां आइल माने हमर घर इसी जगह। अच्छा का कहे के जात नहीं करे जा तो कहन जे हमर भतीजी मरल बा ओहिने फांसी के सजा ओकरो मिले के चाहि तबे हती बा उनका संग बलकल कोई के बेटी के विषय में हो सकता है कोई के बेटी बहन सुरक्षित नहीं है जब उनका सजा ना मिली मुजरिम के तो कोई के बेटी बहन सुरक्षित ना रही कोई के विषय में ऐसा हो सकता है। ई माटे का खेल थोड़बे बा जो गोड़िया कन्या पुत्री का खेल बा खेल लेनी बिग देनी। हां ये पूरे यहां पे ग्रामीण है लोग कहना है कि जो व्यक्ति हत्या किया है उसका जांच होना चाहिए और जांच होने के बाद उसके ऊपर कार्रवाई होना चाहिए। हालांकि ये
सुगौली थाना अंतर्गत ये घटना है और लड़की लगभग 11-11.30 बजे करीब में द्वार पे आती है हाथ गोड़ धोने के बहाने और मोटरसाइकिल की आवाज सुनाई देता है और लड़की की माँ जब द्वार पे आती है तब मोटरसाइकिल और लड़की दोनों आदमी यहाँ से लापता हो जाता है और ये लोग को मालूम लगभग सुबह में चलता है सेमरा स्टेशन के बगल में ये गाँव है और सेमरा स्टेशन के बगल में उसका लाश मिलता है। उसके बाद घर वाले लोग जाते हैं, प्रशासन के भी लोग आते हैं, उन लोग से बात भी किया था और पहले वाला वीडियो मैंने डाला भी है और उन लोग उसका जांच में लगते हैं और जांच अभी नहीं हो पाया है। जांच होने के बाद ही मैं इस खबर को दिखाने का प्रयास करूंगा कि जांच में आखिरकार क्या आया और हकीकत क्या था और सच्चाई क्या आया, इसको जानने के लिए फिर मैं अगला वीडियो भी बनाऊंगा और फिर से यहां दोबारा आऊंगा। बाकी आप देख रहे थे पी न्यूज बिहार और मेरा नाम हुआ पप्पू कुमार।